समाज रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम लोगों को, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, यूगन कोड मेरे चैनल में खुश आमदेद। आज मैं आपको HTML, CSS और JavaScript के साथ, ये जो क्लॉक आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसकी कोडिंग बताऊंगा कि ये कोडिंग इसकी कैसी होगी और ये कैसे आप क्लॉक को, इसकी मतलब स्टाइलिंग को आप चेंज कर सकते हैं, इसकी कलर स्कीम चेंज कर सकते हैं और इसका जो कोड है उसकी वर्किंग मैं शॉर्टली ब्रीफली आपको उसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दूंगा। अगर मज़ीद आपको इस कोड के बारे में आपको इंटरेस्ट है या दिलचस्पी है तो फिर आप कमेंट्स करें और कोई क्वेश्चन है वो पूछें तो मैं इंशाल्लाह इसके जो तमाम ब्लॉक्स की वर्किंग है और वो कोडिंग कैसी हुई है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आपको डिटेल के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। मगर इस वीडियो में सिर्फ ब्रीफली, शॉर्टली मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दूंगा और कोशिश करूँगा कि वीडियो शॉर्ट से शॉर्ट हो, क्योंकि जो शॉर्ट वीडियो है वो ही ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं और बाद में जिसको इसके इंटरेस्ट हुआ तो वो उसके लिए मैं इसकी मज़ीद वीडियो बना दूँगा। तो आइए इसके अंदर ज़रा कोड देखते हैं, इसका कोड कैसे इसका लिखा जाएगा। ये देखें जी, ये HTML के अंदर इसका कोड लिखा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको इसका जो ब्रीफ सा ओवरव्यू है वो दे दूं कि ये बॉडी के अंदर हमने जो बैकग्राउंड कलर है वो दे दिया है और उसके बाद ये हमने थोड़ा सा इसमें इंटरनल CSS यूज़ की है जिसकी मदद से हमने इसको सेंटर अलाइन किया क्लॉक को। उसके बाद ये इनलाइन CSS यूज़ की है, बस CSS का इसमें इतना ही यूज़ है। बाकी ये HTML में कोड है और जो बाकी जितने ब्लॉक्स हैं इसके वो JavaScript के हैं। तो सबसे पहले आप ये देखें कि यहाँ से जो मेन तीन ब्लॉक है वो है एक ड्रॉ फेस, ड्रॉ नंबर, ड्रॉ टाइम। ये ड्रॉ फेस, ड्रॉ टाइम और ये कहाँ पे है, ड्रॉ फेस है, ड्रॉ नंबर और ये ड्रॉ टाइम। अगर इसमें से हम कोई भी एक ब्लॉक ओमिट कर दें तो दो ब्लॉक हमने ओमिट कर दिए। अब इसको हमने सेव करके इसको रन कर देते हैं तो देखिए ज़रा हमारे पास सिर्फ जो इसका फेस है ब्लॉक का वही रह गया। अब हम इसको बारी बारी एक एक ब्लॉक इस पर एंटर करते हैं। अब ये देखें, ये नंबर्स आ गए इसके। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कौन सा ब्लॉक क्या वर्क कर रहा है। उसके बाद ये तीसरा ब्लॉक है ड्रॉ टाइम, तो ये इसका रनिंग क्लॉक आ गया। और इस क्लॉक की ख़ास बात है कि ये क्लॉक रियल टाइम वर्ल्ड के साथ सिंक्रोनाइज है। ये देखें ज़रा, इसका जो टाइम यहाँ पे है 7:19 और यहाँ पे भी 7:19, ये आपके इंटरनेट के टाइम के साथ सिंक्रोनाइज क्लॉक है। ठीक हो गया। उसके बाद इसका अगर साइज़ आपने चेंज करना है तो यहाँ से आके आप इसको क्लॉक के साइज़ को आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो इसका स्टाइलिंग का है, अगर हम इन दो क्लास जो हमने क्लासेस डिफाइन की हैं इनको हम ओमिट कर दें तो ये इसकी अलाइनमेंट गलत हो जाएगी। मतलब यहाँ से हमने इसको सेंटर अलाइन किया है। ये क्लॉक जो कोड आपको अगर इसका यूज़ करना हो तो वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने कोड इसका लिंक दे दिया है, वहाँ से आप जाके कॉपी को डाउनलोड कर सकते हैं। इस क्लॉक की ख़ास बात एक और है कि ये रिस्पॉन्सिव है। ये आपके पेज के साइज़ के मुताबिक मोबाइल के और डेस्कटॉप के हिसाब से अपने आप को रिस्पॉन्सिवली अपना साइज़ चेंज कर लेगा। तो व्यूज़ ठीक है, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये आपको एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था इसका एनालॉग क्लॉक का। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इसको लाइक कर दें
और कमेंट के अंदर अपने कमेंट से मुझे आगाह करें ताकि नेक्स्ट वीडियो बनाने में मुझे आसानी हो।